नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, कॉम्बाइंड रिटर्न टेस्ट के एडमिट कार्ड फाइनली रिलीज कर दिया गया दोस्तों। तो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बने रहना, वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों मेरा चैनल में पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब कर ले के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा पूछते रहेगा। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो आज 20 मार्च 2023 तो फाइनली लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों। मैं और असम पुलिस SLPRB ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका है दोस्तों। तो एडमिट कार्ड कौन कौन सा एडमिट कार्ड निकल के आया है दोस्तों, देख सकते हो रिटर्न टेस्ट फॉर कॉम्बाइंड रिटर्न टेस्ट दोस्तों, देख सकते हो फोर पोस्ट ऑफ प्लाटून कमांडर दोस्तों, देख सकते हो अंदर DGCD दोस्तों, 32 पोस्ट ऑफ SS10 जेल वार्डर अंदर प्रिशन डिपार्टमेंट दोस्तों, देख सकते हो 264 पोस्ट दोस्तों, देख सकते हो 264 पोस्ट फॉरेस्ट ग्रेड 1 में जो लोग फिजिकल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड होगा तो उन लोग का आया है फॉरेस्ट गार्ड में ग्रेड 3 आया है। तो दोस्तों 42 पोस्ट दोस्तों देख सब इंस्पेक्टर पुलिस AB4 कौशम पुलिस कमांडो बटालियन दोस्तों, और दोस्तों देख सकते हो 16 पोस्ट ऑफ साफ इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन APRO अंदर दोस्तों, देखने को नंबर 17 पोस्ट ऑफ साफ इंस्पेक्टर पुलिस दोस्तों देखने को मिलेगा, और दोस्तों 5 पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस UB बैकलॉग वैकेंसीज हिल ट्रैक कैटेगरी का आया है दोस्तों। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना है दोस्तों, ये देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन दोस्तों, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटर्न टेस्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे इस ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों आप लोग को इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले आप लोग को क्या करना है दोस्तों, इस पर आप लोग का एप्लीकेशन आईडी नंबर डालना होगा दोस्तों, उसके बाद इस पर आपका कैंडिडेट नेम डालना होगा दोस्तों, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा दोस्तों, उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हैं दोस्तों, इस पर आपको सिंपली से फिलअप कर देना दोस्तों, उसके बाद डाउनलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देना दोस्तों। चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से मैं फिलअप कर लेता दोस्तों। असम पुलिस AVOB फॉरेस्ट बटालियन की तरफ से एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड है, ये आप लोग का एप्लीकेशन नंबर आईडी डालना जरूरी है दोस्तों, नेम कैंडिडेट नेम आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। तो दोस्तों आपको सारी फिल आपको डाल देना, चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से डाल लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों, कैप्चा भी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली से डाउनलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो मेरा एडमिट कार्ड फाइनली निकल कर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसमें मेरा एग्जाम डेट कहाँ है, एग्जाम सेंटर कहाँ है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने कौन सा पोस्ट में मैंने अप्लाई किया दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों मैंने पोस्ट अप्लाई किया दोस्तों SI कम्युनिकेशन इन APRO पोस्ट में, मैंने सिर्फ एक ही पोस्ट में मैंने अप्लाई किया दोस्तों, देख सकते हो पोस्ट अप्लाई फॉर SI कम्युनिकेशन इन APRO पोस्ट में मैंने अप्लाई किया दोस्तों। उसके बाद मेरा एग्जाम वेन्यू के बाद क्या रहेगा तो होली क्रॉस SS स्कूल सिलचर में मेरा एग्जाम सेंटर दोस्तों, देख सकते हो SS स्कूल होली क्रॉस स्कूल होली क्रॉस SS स्कूल सिलचर में मेरा एग्जाम सेंटर है। और एग्जाम वेन्यू एड्रेस की बात करेगा तो सोनाइरो सिलचर दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। और एग्जाम वेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा तो कांचार दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद इसमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बाद डेट एग्जाम की बात करेगा तो 2 अप्रैल 2023 है मेरा एग्जाम डेट है दोस्तों। इसमें मेरा एग्जामिनेशन टाइम की बात करेगा तो 10 AM to 12 noon मतलब है 10 AM से लेकर 12 PM तक मेरा एग्जाम है। तो दोस्तों जिस जिस कैंडिडेट ने अगर अप्लाई किया तो आपका एडमिट कार्ड निकल सकते हो दोस्तों। इसमें और फीचर्स दिया गया है दोस्तों आप लोग को, क्या क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस भी दिया गया है दोस्तों, इस पर आप लोग को देख सकते हो। कैंडिडेट विल हैव टू फॉलो द COVID-19 पेंडेमिक भी आप लोग को फॉलो करना होगा दोस्तों। और उसके बाद इसमें फीचर्स दिया गया है दोस्तों आप लोग को, जब आप लोग का एग्जामिनेशन में आप रिटर्न एग्जाम के लिए जाओगे आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट सामने लेके जाना है दोस्तों, इस पर भी उन लोग फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों। ये एडमिट कार्ड आप लोग को ये ऑनलाइन ये एडमिट कार्ड आप लोग को लेके जाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को दोस्तों आप लोग को 20 मिनट पहले आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग को जाना होगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को जो भी हो कैंडिडेट आप लोग को आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट आप लोग को वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस आप लोग को जो भी हो आईडी प्रूफ लेके जाना है दोस्तों। उसके साथ इसमें बोला गया है दोस्तों आप लोग को कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, आप लोग को ब्लैक पेन और ब्लू पेन आप लोग को यूज कर सकते हो, और अदरवाइज अदर पेन कलर आप लोग को यूज नहीं कर सकते हो जब आप लोग को रिटर्न के लिए जाओगे। उसके साथ साथ स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक जिनिस कैलकुलेटर आप लोग को बैग आप लोग को ये नहीं लेके जाना है दोस्तों, आप लोग को सब सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या क्या है दोस्तों, पेंसिल शार्पनर आप लोग को ये ले नहीं सकते हो दोस्तों, इस पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को खुद ही देख सकते हो दोस्तों। इसमें आप लोग को OMRC में आप लोग को एग्जाम होगा दोस्तों, इस पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो ओनली सर्कल ब्लू ABCD ऑप्शन मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा इस पर आप लोग को OMRC में। तो इस पर आप लोग को सारी अगर इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो। इसमें नेगेटिव मार्क भी होने वाला है दोस्तों, नेगेटिव मार्क दोस्तों देख सकते हो नंबर 25 में दोस्तों, देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ
1.2 मार्क फॉर इट्स रॉन्ग आंसर। अगर एक आंसर गलत करोगे तो 1.2 में आप लोग को नेगेटिव मार्क मिलने वाला है दोस्तों आप लोग को, इसलिए आप लोग को ज्ञान से आप लोग को टिक मार्क का देना चूज करना होगा दोस्तों। दोस्तों उसका साथ साथ कैंडिडेट से आप लोग को मीडियम होगा दोस्तों, असमीज बंगाली बोडो इंग्लिश मीडियम में आप लोग को क्वेश्चन टाइप आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर 27 में दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट विच कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस, आप लोग को 100 क्वेश्चन आएगा दोस्तों ऑल क्लियरिंग। आप लोग को एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करोगे तो आप लोग को 1 मार्क मिलने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को अच्छा से देख लेना दोस्तों। द कैंडिडेट दोस्तों इसमें लास्ट में दोस्तों देख सकते हैं शूट रिपोर्ट एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फैसिलिटीज स्मूथ चेकिंग आप लोग को दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को अच्छा से आप लोग को एडवांस जाना है दोस्तों। उसके लिए दोस्तों देख सकते हो मेरा एग्जाम सेंटर फाइनली मेरा मुझे बहुत एक्साइटेड है दोस्तों, मेरा एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा एडमिट कार्ड भी फाइनली मैं एडमिट कार्ड निकल चुका है दोस्तों। अभी मेरा एग्जाम दोस्तों देख सकते हो मेरा SI कम्युनिकेशन इन APRO पोस्ट में मैंने अप्लाई किया दोस्तों। अभी तक आप लोग जो जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया दोस्तों, आप किस किस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है वो आप लोग को सारी आप लोग को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पोस्ट में मैंने अप्लाई किया दोस्तों, इसलिए मेरा एक ही पोस्ट आया है दोस्तों। अगर अलग अलग पोस्ट आप लोग को अप्लाई किया है तो आप लोग को इस पर आप लोग को 1-2 प्रेफरेंस करके आप लोग को देखने को मिलेगा किस किस पोस्ट से आपने अप्लाई किया, इस पर आप लोग को सारी शो हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा एग्जाम सेंटर भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, इस तरह से आप लोग का एडमिट कार्ड निकल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो चला तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और साथ ही लाइक और भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं के बारे में इसी चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल देखो प्लीज सपोर्ट कीजिए जॉब के रिलेटेड के बारे में। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।